चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर थ्री भेजा ना मैंने। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ यूनिक कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंपनी फॉर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, 2, 3। ओके, मटेरियल परचेज डायरेक्टली 1,50,000, मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर्स 30,000, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 5,000। ये रिटर्न कहाँ लिखेंगे बोलिए? क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। फिर ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट भी कहाँ लिखेंगे? क्योंकि अदर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा रहा है ना, क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। फिर सैलरी टू सुपरवाइजर डेबिट, शेयर ऑफ ऑफिस ओवरहेड डेबिट, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यूज्ड डेबिट, वेजेस पेड डेबिट। ओके, अभी ये वेजेस एक्रूड एंड ड्यू का मतलब है आउटस्टैंडिंग है, क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए इस पे एक मार्किंग कर लेते हैं, इसको इनर में लिखना है। कहां पे लिखना है? इनर में। ये जो वेजेस पेड है ना, वेजेस पेड है उसको हम लोग कहां लिखेंगे? दिस विल कम इन इनर। व्हाई इनर? क्योंकि उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है ना। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाएगा बोलिए? डेबिट में। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट में। कितना बोला है? 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, राइट। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5,00,000 क्रेडिट साइड में, राइट। क्या बोला यहाँ पे? डेट ऑफ कमेंसमेंट इज 1 अप्रैल 2020 एंड डेट ऑफ कंप्लीशन इज 31 मार्च 2021। मतलब एक साल में कंप्लीट हो चुका है ना 31 मार्च को। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, 2, 3 अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे बोलिए? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, 2, 3। अब ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा बोलिए? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होगा। 1 अप्रैल 2020 है ना, सो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, 2, 3। ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ कीजिए कॉलम्स जल्दी से। ओके, इन द बुक्स ऑफ यूनिक कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, 2, 3 अकाउंट फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ये स्टूडेंट्स डन, कॉलम्स हो गया। चलिए अभी क्या है, सबसे पहले क्या दिया है बोलिए? मटेरियल परचेज डायरेक्टली कहाँ जाएगा बोलिए? डेबिट साइड में। टू मटेरियल परचेज डायरेक्टली कितना? 1,50,000। है ना। उसके बाद स्टोर में से कितना सप्लाई हुआ? 30। सो टू मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर्स कितना? 30,000। एनी डाउट? उसके बाद रिटर्न कर दिया ना, तो कहाँ आएगा बोलिए? क्रेडिट साइड में। बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स कितने का रिटर्न किया है बोलिए?
5000 ना. सो बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 5000. सॉरी, फिर कुछ ट्रांसफर किया है ना. बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाएगा ना, तो अपन क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है ना. बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट कितना है बोलिए. 10,000. 10,000 का मटेरियल दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया, राइट. ओके, चलिए इसके बाद खर्चा है ना, ये सब सैलरी टू सुपरवाइजर कितना 4000. कहाँ आएगा बोलिए, डेबिट साइड में. टू सैलरी टू सुपरवाइजर हाउ मच 4000. उसके बाद टू शेयर ऑफ ऑफिस ओवरहेड, कितना 10,000. फिर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना 20. फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यूज्ड कितना 5000. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यूज्ड कितना 5000. फिर क्या है, वेजेस पेड को इनर में लिखने का. टू वेजेस पेड कितना है 2,10,000. ओके, इसको क्यों इनर में लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ आउटस्टैंडिंग भी है ना, तो आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड करेंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है, ऐड आउटस्टैंडिंग 10,000 ना, तो दोनों मिला के कितना होगा 2,20,000. ओके, और क्या है बोलिए, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000. सो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 20,000. फिर सो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है ना, उसके नीचे 5,00,000 है ना, 5,00,000 का 2% निकालो कितना होता है, हाँ 10,000. तो 5,00,000 का 2% 10,000 ना, यहाँ पे 10,000 लिख दो, हो गया, ठीक है. अभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5,00,000 है ना, तो बाई पूरा लिखेंगे ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ना. कैसे पता चला, इधर दिया ना नेक्स्ट लाइन में, डेट ऑफ कंप्लीशन इज 31 मार्च 2021. 31 मार्च 2021 को पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना, तो क्या लिखेगा यहाँ पे बोलिए, बाय कॉन्ट्रैक्टी, बाय कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है, कितना 5,00,000. ओके, क्लोज करेंगे इसको अभी. हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड कितना है, ये 5,15,000 है ना, पांच लाख पंद्रह. ओके, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ रहा है,
46 ओके सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 46,000 एनी डाउट चलिए अभी कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट बनाना है ना तो कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट तो सिंपल है उधर भाई कॉन्ट्रैक्ट ही है ना तो इधर क्या हो जाएगा बोलिए टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना 5 लाख ना 5 लाख ठीक है अब ये पैसा मिला है क्या नहीं मिला ना तो बैलेंस कर देंगे हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा 5 लाख